बहुत समय पहले की बात है, नारंगपुर नामक गांव में एक औरत आती है और वो वहां की खेत देखती है और मन ही मन सोचने लगती है, हाँ ये खेत मेरे बैंगन की खेती करने के लिए एकदम सही है। फिर वो औरत वही खेत में झोपड़ी डालकर रहने लगती है और अपने बैंगन की खेती करने लगती है। उस औरत ने अपने खेत में बहुत से बैंगन के पौधे लगा रखे थे। उस औरत को खेत में काम करते करते सारा दिन हो जाता था और जैसे ही रात होने वाली होती तो वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और अपने बैंगन के पौधों को देखते हुए हंसने लगती है। मेरे बैंगन के खेत। उस चुड़ैल ने अपने खेत में बहुत से बैंगन के पौधे लगा रखे थे। वो अपने बैंगन के पौधों का बड़े अच्छे से देखरेख करती थी। इसी तरह वो चुड़ैल दिन में औरत बन जाती और अपने खेतों में काम करने लगती और जैसे ही रात होती तो वो चुड़ैल बन जाती। एक दिन की बात है, वो चुड़ैल औरत बन जाती है और अपने खेत में काम करने लगती है। तभी बैंगन के पौधों को बड़े ध्यान से देखते हुए मन में सोच रही थी, मेरे बैंगन के खेत, ना जाने इनमें से मेरे बैंगन कब निकलेंगे। इसी तरह वो चुड़ैल सारा दिन खेतों में काम करती और जैसे ही रात होने वाली होती वो एक चुड़ैल में बदल जाती और अपने बैंगन के पौधों को देखते हुए हंसने लगती। मेरे बैंगन के पौधे, कुछ दिनों बाद इन पौधों में से मेरे नन्हे नन्हे बैंगन निकलेंगे। बस अब तुम जल्दी से इन पौधों से बाहर निकल आओ, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। चुड़ैल पूरी रात टकटकी लगाए अपने बैंगन के पौधे देखती रहती है और जैसे ही सुबह हो जाती है वो सोचने लगती है, सुबह होने वाली है, इससे पहले कि कोई मुझे देखे मुझे अपने औरत के रूप में आना होगा। फिर वो चुड़ैल एक सुंदर सी औरत के रूप में बन जाती है और अपने खेतों में काम करने लगती है। चुड़ैल के खेत के पास ही बिजली नाम की औरत का खेत था। उसने भी अपने खेत में बहुत सारे बैंगन के पौधे लगा रखे थे। बिजली भी रोज अपने बैंगन में पानी देती और उनका बड़े अच्छे से ध्यान रखती। बिजली उस औरत को भी खेतों में पानी देते हुए देखती, पर उसे नहीं पता था कि वो औरत नहीं चुड़ैल है, क्योंकि वो औरत बनी हुई थी। एक दिन की बात है, चुड़ैल अपने बैंगन के पौधों को पानी दे रही थी। कुछ दिनों बाद इन पौधों से मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बैंगन आएंगे। चुड़ैल पौधों से बैंगन निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरे बैंगन, कब आओगे तुम? मुझे तुम्हारे आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। मेरे प्यारे बैंगन, जल्दी आओ ना तुम। चुड़ैल को खेतों में बैठे बैठे शाम हो जाती है और कुछ देर बाद रात भी होने वाली थी। जैसे ही रात होती है वो चुड़ैल बन जाती है और बैंगन के पौधों को बड़े प्यार से छू रही थी। फिर वो एक चाकू लेती है और अपना हाथ काट लेती है तो उसके हाथ से टपकते खून की बूंदे वो हर पौधे में डालने लगती है। अब मिला है मेरे प्यारे बैंगन को असली पोषण। इससे मेरे पौधे और भी ज्यादा ताकतवर और बलवान हो जाएंगे, जिससे मेरे बैंगन भी शक्तिशाली होंगे। चुड़ैल को उन्हें निहारते निहारते सुबह हो जाती है और जैसे ही सुबह होने वाली होती है, अरे पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। इससे पहले कि कोई मुझे देखे मुझे अपने औरत के रूप में बदलना होगा। फिर देखते ही देखते चुड़ैल एक सुंदर औरत में बदल जाती है और अपने बैंगन के खेतों में काम करने लगती है। एक दिन की बात है, बिजली जब चुड़ैल के खेत देखती है तो उसके पास जाती है और उससे कहने लगती है, क्या बात है, आपके बैंगन के पौधे तो बड़ी जल्दी निकल आए। देखिए ना, मेरे खेत में एक भी पौधा नहीं निकला। वो मैं अपने खेतों का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती हूँ ना, शायद इसीलिए मेरे बैंगन के पौधे जल्दी निकल आए। हाँ हो सकता है। वो औरत भी अपने बैंगन के पौधों का बड़े अच्छे से ध्यान रखती और उनमें पानी देती है और उनमें खाद देती है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह वो चुड़ैल अपने खेत में काम करने में लगी पड़ी थी। तभी अचानक से उसे पौधे से एक छोटा सा बैंगन निकलता हुआ दिखाई देता है। बैंगन, मेरा प्यारा बैंगन, अब तू जल्दी से बड़ा हो जा। बैंगन चुड़ैल को देखकर मुस्कुराने लगता है। मेरा प्यारा बच्चा बैंगन। फिर चुड़ैल उस बैंगन को प्यार से सहलाने लगती है और उसे बड़े प्यार से चूमती है, जैसे कि वो उसका बच्चा हो। तभी उस औरत की नजर चुड़ैल के खेत में लगे बैंगन पर पड़ती है। हैं? ये क्या, कल तक तो इस औरत के खेत में एक भी बैंगन नहीं लगा था, फिर एकाएक बैंगन कहाँ से पैदा हो गया है? मुझे तो अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है। मैं अभी इससे पूछती हूँ कि इसके पौधे से अचानक से बैंगन कैसे निकल गया। फिर बिजली चुड़ैल से जाकर पूछती है, अरे बहन एक बात तो बताओ, अभी कुछ देर पहले आपके खेत में एक भी बैंगन नहीं था, फिर अचानक से बैंगन कहाँ से आ गया? चुड़ैल हंसते हुए कहती है, जी ऐसा कुछ नहीं है, शायद खाद पानी की वजह से बैंगन जल्दी निकल आया होगा। इतनी जल्दी?
अभी कुछ ही दिन तो हुए आपको बैंगन के बीज लगाते हुए, आपके पौधे भी जल्दी बड़े हो गए और अब बैंगन भी आने लगे। देखिए ना, मेरे खेत में तो अभी तक एक भी पौधा नहीं निकला। चुड़ैल उस औरत की बात सुनकर अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगती है, इस औरत को मेरे बैंगन से क्यों लेना देना, ये क्यों मेरे बैंगन के पीछे पड़ी है। तभी चुड़ैल उस औरत से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आपके भी बैंगन जल्दी निकल आएंगे। चुड़ैल और उस औरत को काम करते करते शाम हो जाती है, तो वो औरत अपने घर चली जाती है और चुड़ैल वहीं अपने खेत में ही झोपड़ी में चली जाती है। और जैसे ही रात होती है, वो अपने चुड़ैल रूप में आती है और अपने खेतों का एक चक्कर लगाती है, फिर अपना हाथ काट कर उसकी खून की बूंदे हर बैंगन के पौधे में डालने लगती है। और देखते ही देखते उनमें से एक एक करके बैंगन निकलने लगते हैं और खुश होते हुए, मेरे प्यारे बैंगन आ गए तुम, मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम कब इन पौधों से जन्म लोगे, अब तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। बैंगन चुड़ैल को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और अचानक से वो सभी बैंगन बोलने लगते हैं, क्योंकि वो बैंगन कोई आम बैंगन नहीं थे बल्कि शैतानी बैंगन थे जिन्हें चुड़ैल ने अपने खून से जन्म दिया था। वो सभी बैंगन उसके बच्चे थे। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। फिर चुड़ैल उन सभी बैंगन को बड़े प्यार से निहारती है और उन्हें देखकर खुश होती रहती है। इतने में ही सुबह हो जाती है। सुबह भी हो गई, अब मुझे जल्दी से औरत में बदलना होगा। फिर चुड़ैल पहले की तरह सुंदर औरत बन जाती है और अपने खेतों में पानी देने लगती है। इतने में ही बिजली भी खेत पर काम करने आ जाती है और वो अपना काम करने लगती है। तभी वो चुड़ैल के खेत में लगे बैंगन देखकर हैरान हो जाती है। बाप रे, बैंगन, इतनी जल्दी बैंगन कैसे उग सकते हैं? मुझे तो लगता है ये औरत कोई टोटका वोटका जानती है, तभी तो इसके बैंगन इतनी जल्दी आ गए। मैं अभी इस औरत से जाकर पूछती हूँ कि इसके बैंगन इतनी जल्दी कैसे आ गए। फिर बिजली चुड़ैल के पास जाती है और उससे पूछती है, एक बात बताओ, कल तक तो आपके पौधों से एक भी बैंगन नहीं निकला था, आज एकदम से इतने सारे बैंगन कैसे निकल आए? मैं अपने पौधों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ ना, इसलिए ये जल्दी आ गए। इसी तरह चुड़ैल सारा दिन अपने बैंगन का बड़े अच्छे से ध्यान रखती और उन्हें बड़े प्यार से निहारती। और जैसे ही रात होने वाली होती तो वो चुड़ैल बन जाती। एक रात चुड़ैल अपने छोटे छोटे बैंगन को देख रही थी, अचानक से वो सभी बैंगन बहुत बड़े हो जाते हैं। चुड़ैल बैंगन को देखकर बड़ी खुश होती है। इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तुम कब बड़े होंगे, और आज वो दिन आ ही गया। फिर तभी वो सभी बैंगन बोलने लगते हैं, माँ बताओ हमें क्या करना है। जाओ इन गांव वालों का खून पियो। फिर सभी बैंगन शैतानी बैंगन बन जाते हैं और गांव में चले जाते हैं और अपना शिकार ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। मिल गया शिकार। बैंगन जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचता है तो वो आदमी उस बैंगन को देखकर हैरान हो जाता है। इतना बड़ा बैंगन। फिर बैंगन जैसे ही उस आदमी को पकड़ने लगता है। अरे ये बैंगन नहीं, कोई शैतानी बैंगन है, बचाओ इस शैतानी बैंगन से, कोई मुझे बचाओ। तभी वो शैतानी बैंगन उस आदमी को पकड़ लेता है और उसका खून पीने लगता है, और खून पीने के साथ ही वो आदमी भी बैंगन बन जाता है। और सुबह होने से पहले वो शैतानी बैंगन चुड़ैल के पास चला जाता है। और जैसे ही सुबह होती है, एक आदमी खेत पर काम करने जा रहा होता है तो रास्ते में इतना बड़ा बैंगन देख हैरान हो जाता है। बैंगन, वो भी इतना बड़ा, ये कैसे हो सकता है। तभी धीरे धीरे करके और भी लोग आ जाते हैं तो वो भी बैंगन को देखकर रुक जाते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। अरे यार, समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा बैंगन, ये आया कहाँ से। बैंगन बना आदमी अंदर ही अंदर रो रहा था, पर उसके रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अरे गांव वालों, मैं बैंगन नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी ही तरह इंसान हूँ। तभी एक आदमी उस बैंगन को देखकर कहता है, लगता है इस बैंगन का भरता तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनेगा, और इसे कम से कम 20 लोग आराम से खा लेंगे। मैं आदमी हूँ, कोई बैंगन नहीं, जो तुम मेरा भरता बनाने की सोच रहे हो। चुड़ैल अपने खेतों में काम कर रही होती है। तभी रज्जो भी खेत पर काम करने आती है तो देखती है कि आज उस औरत के बैंगन पहले से ज्यादा बड़े लग रहे हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन में बैंगन इतने बड़े हो जाए? अब तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे ये बात गाँव वालों को बतानी पड़ेगी।